महाप्रबंधक मंचा सिंह, बाकी सभी महानुभाव, इस प्रमुख कार्यक्रम में आए हुए देश भर से, और जैसा अभी अभी बताया 36 प्रांतों से आए हुए खिलाड़ी, जिन सब ने अपनी कुशलता का एक तरीके से हम सबको देखने का भी मौका मिला, और स्पर्धा के माध्यम से वनवासी शक्ति को पूरे विश्व के सामने दिखाया। ऐसे सभी आए हुए मेरे छोटे भाई और बहन खिलाड़ीगण, बाकी उपस्थित बहनों, भाइयों, माताओं, दोस्तों, वास्तव में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो 7वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा महोत्सव का आज समापन का कार्यक्रम रांची में आयोजित किया गया है, उसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला। जब सुमैया जी पहले मुझे दिल्ली में मिले और उन्होंने कार्यक्रम की कल्पना दी, तो मैं स्वीकार करता हूं, मुझे वास्तव में इसकी विशेषता का, इसकी अन्य अन्य नए आवामों का ध्यान नहीं आया। जब और डिटेल में समझने का मौका मिला और जानकारी मिली कि कितना कठिन परिश्रम करके आयोजकों ने पूरे देश भर के वनवासियों को यहाँ पे इकट्ठा किया, लगभग 2 लाख युवा युवतियों में से चुने 3,000 प्रतिनिधि यहाँ पे आए, उनके कोच टीचर्स वगैरह मिला के लगभग 4,000 लोगों ने यहाँ पे 27 तारीख से आज 31 तारीख तक 5 दिवसीय ये जो खेल का कार्यक्रम में भाग लिया है, और जिस सुंदर तरीके से सुचारू ढंग से इसका पूरा आयोजन अपने वनवासी कल्याण आश्रम ने किया, मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वनवासी कल्याण आश्रम का इस महत्वपूर्ण योजना के आयोजन के लिए। अभी अभी 3 युवकों ने, जिन्होंने मैराथन जीती थी, उनको तो हमने सम्मानित किया, लेकिन जो सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में विजयी हुए हैं, जिनको मेडल मिले, जिनको इनाम मिले, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बाकी सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से इसमें भाग लिया, इसमें अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया, और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले दिनों में आप सभी में से हमारे भारत के फ्यूचर के ओलंपियन और ओलंपिक मेडल विजेता भी आप सभी में से और निर्माण होंगे। अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं में आप लोगों ने भाग लिया, मैंने सुना रनिंग हुई, रिले हुई, मेडल विजेता भी आप सभी में से और निर्माण होंगे। अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं में आप लोगों ने भाग लिया, मैंने सुना रनिंग हुई, रिले रेस हुई, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, आर्चरी, कबड्डी, खो खो, मैराथन का तो हमने देखा ही सुना ही। अब इन सब अन्य अन्य खेलों के साथ वास्तव में जो वनवासी शक्ति है, इस शक्ति को हमें पूरे देश और विश्व के सामने रखना है। आखिर अभी अभी जिक्र हो रहा था कविता राउत जी का, जिन्होंने लॉन्ग रेस मैराथन, शायद 42 किलोमीटर की मैराथन में अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। वैसे लिम्बा राम जी ने आर्चरी में दिखाया था किस प्रकार से वनवासी क्षेत्र के लोगों में क्षमता है खेल कूद में आगे बढ़ने की। और मैं समझता हूँ वनवासी कल्याण आश्रम में आज 63 वर्ष हो गए, जब वनवासी कल्याण आश्रम शुरू हुआ था, गत 27 वर्षों से
इस प्रतियोगिता का हर चार वर्ष में आयोजन करते रहे हैं 1987-88 से, और आज सातवीं प्रतियोगिता के सफलता के बाद मैं समझता हूं अगली बार इसको और बड़े रूप में आयोजन करने के लिए और क्या क्या नए रूप लिया जा सकता है इस पे अगले 3-4 वर्षों में चिंता करेंगे और इसको कैसे क्या हम इसको एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता बना सके इस पे भी मैं चाहूंगा कि हमारे वाराणसी कल्याण आश्रम के सभी नेता विचार करें। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने ये रण लिया है कि आगे आने वाले दिनों में इस पूरे क्षेत्र को जो नेशनल गेम्स का 15 स्टेडियम्स का पूरा जो प्रांगण बना था, वास्तव में 2011 में ये नेशनल गेम्स के लिए बनाया गया, लेकिन 11 से 15 तक गत 4 वर्षों में इसकी मरम्मत नहीं हुई, ये काफी बिगड़ सा गया, इसका ध्यान नहीं रखा गया। और जब मई में मैं यहां पे आया तब झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने चर्चा में बताया कि इस पूरे प्रांगण की अगर हम मरम्मत करें तो एक पूरे झारखंड राज्य को एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के को इस्तेमाल करके जिसकी सुविधाओं को लेके हम झारखंड से 100 ओलंपिक मेडलिस्ट अगले 10 वर्ष में तैयार कर सकेंगे। मुझे बात बहुत जची और उसी वक्त सीसीएल ने तय किया कि लगभग 40 करोड़ रुपए का खर्च करके इस पूरे 15 स्टेडियम्स की मरम्मत करके हम साथ ही साथ यहाँ पे 1400 विद्यार्थियों का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि राज्य सरकार और सीसीएल ने मिलके इस काम को शुरू कर दिया है। मरम्मत की एक झलक तो आज आपके सामने है, इस स्टेडियम में काफी कुछ काम हुआ है, बाकी स्टेडियम में चल रहा है और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में लगभग 100 करोड़ रुपए तक की लागत से इस पूरे स्टेडियम्स की मरम्मत के साथ साथ 1400 विद्यार्थियों के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम खड़ा कर पाएंगे। और मुझे ये भी खुशी होती है बताते हुए कि 1400 बच्चों में से 50% 700 विद्यार्थी झारखंड से होंगे और मैं समझता हूं झारखंड एक अधिकांश वनवासी राज्य है और अगर खेल कूद की क्षमता देखें तो वनवासियों में विशेष क्षमता रहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इन 700 बच्चों में हम वनवासी क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चों को इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से सुविधाएं दे पाएंगे, प्रोत्साहन दे पाएंगे, अच्छी खुराक दे पाएंगे और बचपन से उनकी ऐसी ट्रेनिंग होगी, ऐसा उनका कौशल विकास होगा जिससे वो आगे चल के पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करें। इन 700 जो झारखंड के बच्चे होंगे इसमें 350 बच्चों का पूरा खर्च झारखंड सरकार देगी और 350 बच्चों का पूरा खर्च कोल इंडिया लिमिटेड देगी, कोल कंपनियां देगी। तो ये पूरे 700 बच्चों को निशुल्क यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरी विद्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, साथ ही साथ 700 और बच्चे प्रतिस्पर्धा द्वारा देश भर से यहाँ पे एडमिट किए जाएंगे। और ये जो 700 बच्चे झारखंड के होंगे इनका निशुल्क पढ़ाई और देखभाल के अलावा 1000 रुपए प्रति माह इनको मात्रा में मानदंड दे दिया। मैं समझता हूं ये एक शुरुआत होगी
जिससे भारत आखिर 125 करोड़ लोगों का देश और अभी तक हम वंचित रहते हैं ओलंपिक्स में कोई खास विशेष उपलब्धियों से, कोई विशेष जीत से, कोई विशेष मेडल से, जबकि आज 125 करोड़ भारतवासियों को अगर सही मौका मिले तो पता नहीं क्या से काम देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष रुचि है कि भारत के जो खेल हैं, फिर चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, खो खो हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, इन सब खेलों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि कोल कंपनियां विशेषकर जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के वनवासी इलाकों में, विदर्भ वगैरह में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, इन सभी क्षेत्रों में जो ज्यादा काम कर रही है, इन कंपनियों ने खेल कूद के प्रति और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा निर्णय लिया है। और इन सभी खेलों का जिसका मैंने जिक्र किया, इस सभी को देश भर में कैसे प्रोत्साहन देना, इसमें कोल कंपनियां आगे आने वाले दिनों में तेजी से प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे भी 15 स्पोर्ट्स एकेडमी बनेंगे, 15 स्पोर्ट्स एकेडमी में हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, रेसलिंग, कबड्डी, खो खो ये तो रहेंगे, साथ ही तीरंदाजी, आर्चरी, स्विमिंग, तैरने का तैराकी, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, राइफल शूटिंग, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, कराटे का भी आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं प्रभाव। इन सभी खेलों के लिए हम अलग अलग एकेडमी बना के लोगों को टेस्ट करके जिसकी जिसमें ज्यादा विशेष रुचि हो उसके साथ जोड़ के, साथ ही साथ उनका 10+2 एजुकेशन भी हो, स्कूलिंग हो, ITI बने, इंजीनियरिंग की तैयारी करें, BA, BEd, BCom, कॉमर्स के कोर्सेज हो, तो दोनों उनकी शिक्षा और खेल कूद में रुचि को भी ध्यान रखते हुए कैसे उनको तैयार करना विश्व स्तरीय कॉम्पिटिशन के लिए, इन दोनों की चिंता ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आगे आने वाले दिनों में करेगी, जिससे झारखंड सिर्फ एक महेंद्र सिंह धोनी नहीं लेकिन ऐसे सैकड़ों धोनी तैयार करेगा और अन्य अन्य खेलों में धोनी तैयार करेगा जो पूरे विश्व में झारखंड का और भारत का नाम रोशन करे, ऐसे सैकड़ों धोनी तैयार करेगा और अन्य अन्य खेलों में धोनी तैयार करेगा जो पूरे विश्व में झारखंड का और भारत का नाम रोशन करे। मैं समझता हूं वनवासी कल्याण आश्रम ने जो पहल की है, जो ये प्रतियोगिता के द्वारा वनवासियों को एक सम्मान दिया है और उनकी कुशलता को रिकग्नाइज किया है, उसको समझा है, उसको पहचाना है, उसके लिए हम सदैव वनवासी कल्याण आश्रम के ऋणी रहेंगे। मेरा स्वयं का वनवासी कल्याण आश्रम से कई वर्षों का संबंध रहा है। वैसे तो ये पहली प्रतियोगिता मुंबई से शुरू हुई 1987 से, और मैं भी मुंबई से ही आता हूं, लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम का मुंबई में काम जब रामभाव गुड़बुले जी थे, देखते थे, तब मेरा उनसे काफी निकट संबंध रहता था, मिलना जुलना था, और तभी से मैंने जो काम देखा है, मैं अभी भी डॉक्टर साहब को बता रहा था कि शायद मेरे जीवन का पहला अगर कोई सामाजिक काम, सामाजिक दृष्टिकोण वाला काम मैंने किया तो वो एक तलाशरी में, जो बाड़ा एक वनवासी क्षेत्र है मुंबई के निकट, तलाशरी में एक वनवासी कल्याण आश्रम, एक हॉस्टल, स्टूडेंट्स हॉस्टल चलाता था। मेरी माँ मुझे वहां लेके गई थी,
शायद 12-13 वर्ष का छोटा विद्यार्थी था और मेरे जीवन का वो पहला अनुभव था वनवासियों से मिलना, उनके बीच बैठ के खाना पीना भोजन किया, मैं उनके नृत्य का आनंद लिया। आज भी हमें एक बहुत सुंदर नृत्य का आनंद लेने को मिला कार्यक्रम के शुरुआत में, और वहीं से मेरे भी जीवन की सामाजिक कार्य शुरू हुआ था। लेकिन आज बड़ी खुशी है कि आज 2015 का अंत भी हो रहा है, साथ ही साथ एक नए वर्ष में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। तो वनवासी कल्याण आश्रम के इस कार्यक्रम में आने का जो मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार मानते हुए पुनः एक बार आप सबको बधाई देते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे आने वाले दिनों में आप सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य में और कुशलता दिखाएंगे और सफल होंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।